What up, guys? What up, guys? So, हम पहुंच गए हैं यूं ही घूमते घूमते एक नई कंट्री में और उस कंट्री का नाम है स्कॉटलैंड. तो देखो, पहले जब हम आए यूके, हम लोग गए लिवरपूल. क्यों? क्योंकि वो सिट को जाना था. फिर मैंने बोला अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो फिर मुझे तो जाना है स्कॉटलैंड, क्योंकि मुझे हमेशा से जाना था. तो हमने लंदन देखा है ना, उसके अलावा लंदन ने बहुत कुछ देखा. और हम लोग गए विंडसर, वो मुझे बहुत अच्छा टाउन लगा. एंड बाथ, वो सबसे सुंदर था. तो ये सब हमारी इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम कैप्चर कर चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो. बट आज हम आए हैं स्कॉटलैंड, वी आर हेयर फॉर द वीकेंड. एंड अभी हमने बहुत ही अमेजिंग जगह पे खाना खाया, उसका नाम था डिशुम. आपको इसके बारे में बताने दूंगी क्योंकि खाना था तो आपकी स्पेशलिटी है, आप बताएं. क्या तो मज़े आ गए यार खाना खा के. रुमाली रोटियाँ, बोटी कबाब एंड इसने खाए हैं पूड़ी एंड छोले विद हलवा. आई नो. और पता क्या, इतना ऑथेंटिक फ्लेवर था. और ऑथेंटिक से ये मतलब नहीं है कि अच्छा बनाया हुआ था, ऑथेंटिक से ये मतलब है जो मसाले थे ना, ट्रस्ट मी, वो पक्का इंडिया से आ रहे हैं. हाँ, मतलब नो डाउट, क्योंकि हमें फर्क पता चल रहा था कि ये कैनेडियन मसाले नहीं है. हाँ, है ना. और उससे भी अमेजिंग बात थी कि इंडियन से ज़्यादा गोरे बैठ रखे थे वहाँ पे, और हमें माइनॉरिटी फील हो रहा था इंडियन रेस्टोरेंट में, जो कि कनाडा में एक्चुअली इतना नहीं है. मैंने इतना कल्चर नहीं देखा वहाँ पे, इतना इंडियन मतलब फूड. वो लोग लिटरली अगर उनके पास 30-40 टेबल्स थे, उसमें 3 टेबल पे इंडियंस थे. हाँ, और बाकी सब पे गोरे थे. या सो दैट वाज समथिंग नाइस टू सी. और ओवरऑल आई थिंक जो हमने यूके में चीज़ नोटिस की है ना, वो यही है कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे को बहुत कुछ दे के गए ना इंडिया में, मतलब आज तक वो चीज़ें लाइक दे रिमेन. यहाँ पे भी इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, चाहे वो फूड के मामले में हो या आई थिंक कल्चर बहुत सिमिलर है यहाँ का और इंडिया का, विच आई थिंक इज़ बिकॉज बहुत साल इन्होंने राज किया और वो छोड़ गए. वो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली रह ही जाता है ना कल्चर में. बट हाँ, अब हम सोच रहे हैं आज, बिकॉज हमारा डे वन है, वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग अ हॉप ऑन हॉप ऑफ. एंड आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं माइक दे रहा था. ओके, तो हम सोच रहे हैं हॉप ऑफ करते हैं, बहुत ऐसे मतलब जो जगह ऐसे स्टॉप्स देख लेंगे. बट कल हम सोच रहे हैं जो यहाँ की से सबसे फेमस जगह है वहाँ जाएंगे. बट एक्चुअली सिड हम स्कॉटलैंड में है. कहाँ? हम स्कॉटलैंड में है, एडिनबरा. यस, सो कल हम जाएंगे एडिनबरा कैसल. बट आज हम करने वाले हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ. तो ये बहुत सारे ऐसे, अगर आपको पीछे ना दिख रहा होगा, अभी हम जाते हैं, बहुत सारे लोग लेके खड़े हुए हैं कि हमारा हॉप ऑन हॉप ऑफ का पैकेज ले लो, हम लेकर जाएंगे. तो या लेट्स जस्ट गो एंड गेट दैट. बाकी एलवी का स्टोर भी दिख रहा है, वो भी ले सकते हैं. एंड मेन चीज़ ये भी बता दी कि यूके वीज़ा पे आप ये सारी कंट्रीज़ जो फॉल करती है यूनाइटेड किंगडम में, वो सब कवर कर सकते हो. तो स्कॉटलैंड हमने सिंस यूके वीज़ा ले रखा था, अच्छा, हाँ, हाँ. तो हमारे को एक्स्ट्रा कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ी. इट्स अ मल्टी एंट्री वीज़ा. एंड हमने 1.25 घंटे की फ्लाइट, 1 घंटे की फ्लाइट थी. हाँ, बस सुबह करके आ गए हम. सुबह की फ्लाइट पता नहीं चला, मैं तो सोते हुए आई हूँ. इट्स टू क्लोज. ट्रेन से भी आ सकते हैं अगर टाइम है आपके पास. यू आर मोर डेज, सो 6 घंटे की ट्रेन थी. अराउंड 6-6.5 आवर्स की ट्रेन है. सो अगर टाइम है तो स्पेंड मोर टाइम. हमारे पास 2 दिन ही है तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे अब. एंड चलते हैं आगे शहरी, क्योंकि हमारे को और बहुत कुछ देखना है. हाँ, और ये है ट्रैम्स. सो गाइज, थोड़ा कट्टा हो गया. हम बस टूर करने जा रहे थे हॉप ऑन हॉप ऑफ वाला, बट बोलते 4 बजे बंद हो जाता है. हाँ, और ऑलरेडी 3:30 हो गए. बट ना एक चीज़ मैंने सीखी है, जैसे लंदन में भी अगर आपको याद होगा, मैंने हॉप ऑन हॉप ऑफ का लिया था, बट क्या ही कर पाई हूँ, ज़्यादा कुछ करनी पाई थी उसमें. क्योंकि ना या तो आप सुबह शुरू कर रहे हो, लाइक दैट इज़ द लर्निंग आई हैव हैड ऑन दिस ट्रिप, कि या तो सुबह शुरू कर दो, जो कि हम कोशिश करेंगे कल करें, और आपने उससे पहले कुछ ना देख रखा हो. क्योंकि अगर ऑलरेडी 5-6 जगह दे रखी हैं, वही सारे उसमें स्टॉप्स होते हैं, हाँ, तो उसमें पॉइंट नहीं है. तो आई थिंक फर्स्ट डे बहुत सही चीज़ है ओपन ऑफ करना. उसके बाद नॉट सो हेल्पफुल,
बट जो भी है हम दोनों ऐसे ही टहल रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। लुक एट द व्यूज, अभी दिखाते हैं आपको, बहुत सुंदर है। तो देखो गाइस यहाँ पर कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। हम जा रहे हैं रॉयल माइल एडिनबर्ग कैसल को बाहर से देखने, अभी के अभी सीढ़ियाँ पे सीढ़ियाँ। आज हमारा बेसिकली जो वो नहीं होता क्लाइंबिंग वाला काउंट, वो पूरा हो जाना है। मेरा पता है रोज कितने कितनी कैलोरीज दिखा रहा है, कम से कम 900 कैलोरीज मैं बाहर ही बर्न कर रहा हूँ। बहुत है इनक्रेडिबल, मतलब ये जो फिटनेस ऐप है ना शेरी, वो भी थोड़ा बौखला गई है कि हमने लास्ट एक हफ्ते में ऐसा कौन सा प्रण ले लिया जिसकी वजह से हमारे डबल ट्रिपल वो हो चुके हैं। मेरे को तो अवार्ड पे अवार्ड दे रही है मेरी ऐप। सो गाइस सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हम पहुँच गए हैं, इसको कहते हैं रॉयल माइल है ना। और वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है इसके, देखो व्यूज़ अमेजिंग है। और ना भर भर के शॉप्स बन रखी हैं हर टाइप की, पब्स हैं। बस यहाँ पर आके मैं मतलब अपने ऑफिस में बात कर रहा था कि यहाँ पे क्या है इंटरेस्टिंग करने को एडिनबर्ग में, तो वो बोल रहे थे बेसिकली यहाँ पर एक तो एडिनबर्ग कैसल है, दूसरा है कि तुम यहाँ पर आके बार हॉपिंग करो, सॉरी पब हॉपिंग करो, ठीक है, मतलब पियो मल्टीपल अलग अलग पब्स पे जाके एंड या एंजॉय एंड देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स एज वेल, शॉपिंग करो। हाँ मुझे वही लग रहा है क्योंकि अब जैसे शाम का टाइम हो गया है ना, और अगर आप हमारे आगे पीछे देखोगे तो भीड़ एकदम हो गई है और सबका इरादा वही है दारू पीनी है। अरे और वीकेंड है बट बहुत सुंदर जगह लग रही है। रेडिसन होटल भी बन रखा है यहाँ पे। ओ हम लोग जाके सो गए थे शाम को घूमने के बाद, और आज हम आ गए हैं जो हम आपको कल बता रहे थे हम आएंगे जो कि है एडिनबर्ग कैसल। यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ यही है, सो हम वो देखने आए हैं। और अगर आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा ना, यहाँ पे इतने कैसल्स हैं, इतना सुंदर आर्किटेक्चर है ना, बहुत सही मज़ा आ रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे बेसिकली हमें कैसल को पूरा घूमने में, पूरा भी घूमने नहीं, सिर्फ मेजर अट्रैक्शंस देखने में। एंड देयर इज गोना बी गन फायर एट 1 PM, तो होपफुली वी गेट टू हियर द साउंड्स एंड ऑल, तो वो देखने में बड़ा मजा आएगा। यहाँ टॉप से आ रहा है पूरा सिटी का व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई लाइक कैसे इन कैसे छोटे 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 जो घर के स्टाइल बने हुए ना, और हर थोड़ी दूर में दिखता है कैसल। सो ये जो नीचे स्ट्रीट है इसको कहते हैं प्रिंसेस स्ट्रीट, एंड उसके आगे ये सेंट एंड्रूज एंड सेंट जॉर्जेस बेस्ट चर्च है, वो जो कौन सा वाला, ये जो सामने बड़ी सी ये वाला सबसे ऊंचा है, और वो जो बहुत ही इंट्रिकेट सी दिख रही है स्ट्रक्चर, हाँ वो है स्पॉट्स मॉन्यूमेंट। अच्छा ये वाला, और ये स्पाइरल वाला कौन सा बताया था आपने? ओके, तो अभी हमने ये पूरा कैसल घूमा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, इतना मैसिव है। सोचो जो ये लोग राजा वजा रहते थे यहाँ पे। और जो ये पूरा कैसल है ना, इसकी मेन बात ही है कि जो जितने भी आज तक स्कॉटिश किंग क्वीन रहे हैं दे हैड बीन लिविंग हियर, और आई थिंक जो फर्स्ट इनहेबिटेंट्स थे
वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे रहते थे ऑल्सो लाइक अगर आप देखोगे ना इस क्यों लोगों ने ये अपनी जगह बनाई थी. अभी हमने आपको इतने जो ये व्यूज़ दिखाए हैं तो पूरा सिटी का व्यू आता है, मतलब राजा यहाँ खड़े होकर अपनी प्रजा को इजीली देख सकता था. सो दैट वाज द सीन. और अभी हम जा रहे हैं क्राउन जूल्स देखने. अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो इससे पहले वाली तो आपने देखा होगा लंदन में आई वेंट एंड सॉ क्राउन जूल्स, जो एक्चुअली कोहिनूर देखा. और जो अभी किंग क्राउन पहनते हैं वो था क्वीन का. और आज तक जितने भी 1600 से क्राउन बनते आ रहे हैं वो सब थे. ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड, वो तो बहुत ही सही था लंदन में, बट यहाँ पे अब स्कॉटिश क्राउन जूल्स देखने चलते हैं. लेट्स गो. ये देखो सोल्जर्स के कपड़े और तलवारें. सो गाइस बोल रहे हैं कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स है ना वो पूरा इंस्पायर्ड है स्कॉटलैंड की हिस्ट्री से, है ना. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर चला है सेड. मेरे को भी नहीं पता था. उन्होंने पूरा मतलब रीइमेजिन किया है पूरा ये कैसल एंड जो भी स्कॉटलैंड में लाइक वॉर्स वगैरह हुई थी तो उसको उन्होंने रीइमेजिन करके बनाया था गेम ऑफ थ्रोन्स. अब दोबारा एक बार ही देखना पड़ेगा उसको पूरा लाइक अंडरस्टैंड करने के लिए ना. और क्वीन मैरी आई थिंक इनकी जो सबसे फेमस है, जो सब ज्यादा मेमोरियल्स वगैरह भी क्वीन मैरी के बन रखे हैं. हाँ, नाउ आई एम फिगरिंग आउट क्या वो खलीसी डिपिक्ट की हुई है शायद, है ना. बट हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम स्कॉटिश हिस्ट्री. दैट वॉज द इंटरेस्टिंग थिंग जो हमें यहाँ आके पता चली. एंड कैसल देखो यार बहुत ही सुंदर है. हमारे पंजाबी हर जगह मिली जाते हैं. ये देखो गाइस तैयारी शुरू हो रही है. वो जो गन सैल्यूट सेड वाज टेलिंग वो तो प्रॉपर आर्मी शार्मी से लग रहे हैं सेड. आर्मी शार्मी. यहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई है देखने के लिए. और आई थिंक ये है जो जहाँ पे सल्यूट मिलेंगे, गन सल्यूट. क्या क्या कमेंट्री कर रहे थे कैमरे पे कर लो. मैं कह रहा कुछ लोगों के लिए समर आ चुकी है, लोग टेस्टों में आ गए आज. पता नहीं यार मुझे तो ठंड लग रही है. स्टार्टिंग में जब हम आए थे ना तब इतनी ठंड नहीं थी, अब ठंड हो गई है सडनली. इट्स लाइक 7 डिग्रीज. Not bad, it's Canada. हाँ, कनाडा से तो अच्छा ही है. Yeah. But guys, overall कनाडा से कितना अच्छा या बुरा लगा हमारे को, हम सोच रहे हैं हम इसकी पूरी वीडियो बनाएंगे. सो आई थिंक इसके बाद जो आप वीडियो देखोगे या इसके बाद के बाद हम दोनों जब वापस पहुँचेंगे ना कनाडा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर कंपेरिजन यूके वर्सेज कनाडा, क्योंकि हमारे काफ़ी थाट्स हैं इस बारे में. आप क्या सोचते हो, अगर आपको भी कुछ लग रहा है पहले से ही या फिर बताना चाहते हो तो कॉमेंट्स में बता देना, वो हम पॉइंट कवर करेंगे या होगा ही हमारे पास ऑलरेडी रेडी. हमारे पास काफी पॉइंट्स हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. हम पक्का बनाने वाले हैं. और ये ऊपर ऊपर ओए वाह ओए तो अभी जो ये ठा 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 हुआ है ना, ये बेसिकली 1861 से होता आ रहा है. ये स्टार्ट किया गया था क्योंकि उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो शिप्स को सिग्नल देने के लिए कि एक बज गया है. तो ये 1861 से लेकर आज तक 2004 आ गया है. एवरी डे सॉरी 2024 आ गया है. एंड अभी तक रोज़ एक बजे एक्सेप्ट फॉर संडेज अभी भी ये होता है गन शूट. और ना अभी अभी ये हुआ है ना तो अभी भी स्मेल आ रही है वो धुएं की, क्योंकि एक्चुअली फायर बॉल टू 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 सॉरी इंस्टाग्राम रील याद आ जाती है मुझे. चलो चलें. और हमने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग. हमने यहाँ पे शॉर्ट ब्रेड्स बहुत फेमस हैं स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटिश शॉर्ट ब्रेड खरीदी है. ये खाएंगे हमारे फ्रेंड्स.
याद है बार्बर शॉप हमने हैरिड्स में देखी थी, ओहो क्या तो लग्जरी बार्बर शॉप थी वो। सही में कहां से कटाया था ना, स्कॉटलैंड में अपने बाल। नो थैंक्स, आई ओनली ट्रस्ट इंडिया फॉर माय हेयर कट्स। गाइस हम खाने आ गए हैं मैक्सिकन स्ट्रीट फूड। ये देखो यहाँ पे स्कॉटिश स्कर्ट्स पहनते हैं। पहनोगे आप? खरीद दो आपके लिए स्कर्ट। तो हमें प्रे करी थी चलो इसका रूम थोड़ा बड़ा होगा बट सेम हाल है। अभी हम दोनों को खाना खाना था और उसके लिए चेयर अब एक है बेड पे हम बैठ के खाते नहीं है तो एक ही चेयर पे शेयर कर रहे हैं। एंड भाई ने क्या किया, हमने ऊबर से मंगवाया तो उसने डब्बियां तो सारी दे दी एंड मैंने रिक्वेस्ट किया कटलरी पे टिक करा था कि कटलरी दे दियो, कटलरी भी नहीं आई। अब हमने ऐसे खाना पड़ रहा है। मेरा फेवरेट पार्ट है ये देखो, ये एक चेयर है रूम में और हम दोनों आधा आधा बैठ के खा रहे हैं इस पे क्योंकि और तो कुछ जगह है ही नहीं करने को। और भाई ने भी माशाल्लाह खाना भेजा। हाँ और ऊपर से खाना अच्छा नहीं आया तो सेट का मूड वैसे ही खराब है। हमें लगा थक के आए, बढ़िया इंडियन खाना मंगाते हैं क्योंकि ओवरऑल हमारा पूरी लंदन ट्रिप पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंडियन फूड का, तो अब हमें विश्वास आ गया अच्छा खाना है यहाँ पे इंडियन। बट सैडली नो, बट रूम का साइज लंदन में आओगे तो यही एक्सपेक्ट करना, रियलिटी चेक। ओके गाइस, वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमें स्कॉटलैंड बहुत मजा आया, इट वॉज अ क्विक ट्रिप। हम लोग कल गए और एक रात रुके और आज वापस आ गए एंड आई थिंक ये बड़ा अच्छा वे है जब ऐसे यूरोप यूके ये सब जगह पे आओ ना, बिकॉज तो कहीं हाथ को कुछ गिर जाता है तो क्या है ना कि मतलब क्योंकि आसपास होता है तो इट्स वेरी इजी टू कवर 2-3 कंट्रीज एट वंस। जब हम जर्मनी गए थे तब भी हमने ऑस्ट्रिया ऐसे ही किया था कि हम एक दिन के लिए चले गए थे एंड वहां पे घूम के वापस आ गए थे, तो सेम थिंग वी डिड। हम लंदन मेजरली रुके एंड फिर उसके बाद हम लोग स्कॉटलैंड एक दिन के लिए, दो दिन के लिए करके आए हैं। सो वी होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज 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 लाइक एंड कॉमेंट एंड यू विल सी अस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आज हमारे को एक ऐसी न्यूज मिली है जो कि अनएक्सपेक्टेड पार्ट था बट कुछ ऐसा होने वाला है इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट डे लाइक टुमोरो। कल बहुत ही बिग डे है हमारे लिए, सिड के लिए स्पेशली, सो वो देखने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा इन आर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्या है तुम्हें बोल दो ना, मैं खाना खा रहा हूँ भी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ योर फैमिली एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।